खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। जम्मू कश्मीर में तनाव के हालातों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें अपराध और आतंकवादी घटनाओं की संभावना के मद्देनजर ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है, साथ ही भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर के दूर रहने को भी कहा गया है। इसके साथ ही हमले और रेप जैसे अपराधों को लेकर सचेत रहने को कहा गया है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद और नागरिक अस्थिरता के कारण पूर्वी लद्दाख को छोड़कर और लेह को छोड़कर जम्मू कश्मीर जाने से बचे। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बॉर्डर में भारी गोलाबारी की संभावना है। अमेरिका में ये एडवाइजरी लेवल 2 में जारी की है। बता दें कि अमेरिका दूसरे देश जाने वाले अपने नागरिकों को 4 स्तर में एडवाइजरी जारी करता है। लेवल 2 के तहत अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जबकि लेवल 1 सामान्य चेतावनी दी जाती है। वही गंभीर खतरे को देखते हुए लेवल 3 में यात्रा पर विचार करने और लेवल 4 में यात्रा न करने को कहा जाता है। अमेरिका की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में रेप तेजी से बढ़ता अपराध है। दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध पर्यटक स्थल और दूसरी जगहों पर होते हैं। इसके साथ ही बाजार, शॉपिंग मॉल या सरकारी इमारतों को लेकर भी चेताया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक ऐसी जगहों पर आतंकी हमला कर सकते हैं। यात्रा पर अमेरिकी नागरिकों से सिक्योरिटी प्लान तैयार रखने को भी कहा गया है।